प्रदेश में बारिश का दौर अपने चरम पर है। इसके चलते मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। जयपुर के VKI इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ध्वज नगर में बिहार के आरा के मूल निवासी 23 वर्षीय कमल शाह, 19 वर्षीय पूजा सैनी और 6 वर्षीय पूर्वी सैनी की वर्षा जनित हादसे में मौत पर उप मुख्यमंत्री और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिया कुमारी ने गहरा दुख जताया है। गुरुवार तड़के घटना की सूचना मिलते ही दिया कुमारी ने नगर निगम की टीमों को पंप और मशीनों के साथ घटना स्थल पर भिजवाया और पानी की निकासी के साथ साथ बचाव और राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं हुई। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है, तो काम भी जो शुरू हुआ है मॉनसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का, बाकी काम मेरा यही था कि मॉनसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट मॉनसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि एक वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में, वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको तुरंत वहाँ ले जा सकते। पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। हम लोग इस पे तुरंत काम कर भी रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि इस पे बहुत गंभीर तरीके से संवेदनशीलता से काम किया जाएगा, एक प्लानिंग के साथ, या तो उनसे बात कर रिलोकेशन का भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो एरियाज लिवेबल नहीं, क्योंकि वो जो एक और घटना हुई थी वो भी एसी एरिया में हुई। अब डबल बेसमेंट इस एरिया में रहना मुझे नहीं लगता सेफ है। बात करके इनको देखा जाएगा क्या हो सकता है, और जहाँ हम लोग इनको रिलोकेट कर सके वो भी एक प्लानिंग होगी। उसके अलावा भी अभी जहाँ ये लोग रह रहे हैं यहाँ हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये दोबारा नहीं, ये इतना आसान नहीं है करना। सालों से ये चीजें चल रही है, इसको बदलना पड़ेगा और इस पे ध्यान देंगे। इसके लिए इनके मुआवजे के लिए भी उचित मुआवजा इनको दिया जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं दिया कुमारी ने कांवटिया अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया और उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा भी लिया। वहीं दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता दरबार न्यूज़।